वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। जस्टिस संजय यादव राजभवन में लेंगे शपथ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की लेंगे शपथ। राजभवन में दिलाई जाएगी गोपनीयता की शपथ। 12 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिलाएंगी शपथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की जगह पर वो शपथ लेंगे संजय यादव। जस्टिस संजय यादव आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। राजभवन में गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी और ये शपथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अगुवाई में दिलाई जाएगी। तो इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ मारतंड संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। जस्टिस संजय यादव आज शपथ लेने वाले हैं मारतंड जी। बिल्कुल, देखिए 12 बजे का समय रखा गया है, राजभवन में शपथ लेंगे। और इनके बारे में बता दें, ये जो मुख्य न्यायाधीश होने जा रहे हैं, ये 14 अप्रैल से ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे थे। अब इनको परमानेंट कर दिया गया है, अब जो है ये नवनियुक्त मुख्य सचिव होंगे। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 26 जून 2021 को रिटायर भी हो रहे हैं। 1986 में जबलपुर से इन्होंने अपनी वकालत शुरू की थी। जबलपुर उच्च न्यायालय में ये सिविल, राजस्व और संवैधानिक विषयों की प्रैक्टिस ये करते थे एमपी के ही। बाद में इनको उप महाधिवक्ता बनाया गया। 2007 को इनको एमपी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया और फिर 2010 को इनको वहां अस्थायी कर दिया गया। तो देखने वाली बात यह है कि इनका कार्यकाल 14 अप्रैल से, हालांकि ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन 26 जून 2021 को ही रिटायर हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर 15 दिन के लिए इनको जज नियुक्त किया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मारतंड जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से बताया मारतंड ने कि 26 जून 1971 को जन्मे संजय यादव 25 अगस्त 1986 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए थे और आज वो राजभवन में गोपनीयता की शपथ लेंगे। हालांकि कार्यकाल इनका इतना लंबा नहीं होने वाला है, लेकिन 12 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अगुवाई में वो शपथ लेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र पहुंचे अयोध्या, 2 दिवसीय होगी बैठक, मंदिर निर्माण कार्यों का करेंगे निरीक्षण, नींव के रॉ मटेरियल को लेकर होगी चर्चा। बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी सदस्य भी होंगे शामिल, एलएनटी का वाटाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। राम मंदिर नींव की 5 लेयर तैयार हो चुकी है, तो राम मंदिर नींव को लेकर चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंच चुके हैं। इनका ये 2 दिवसीय दौरा है जो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मंदिर निर्माण कार्यों को लेकर वो निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। नींव को लेकर जो रॉ मटेरियल यूज होंगे उसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ इस बैठक में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी सदस्य भी शामिल होंगे, एनएलटी और टाटा के बीच भी ये बैठक, वहां उनके भी लोग शामिल होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राम मंदिर निर्माण नींव का जो कार्य है वो 5 लेयर का हो चुका है, उसको आगे किस हद तक बढ़ाया जाए, उस पर कौन सा मटेरियल यूज होगा, उसको लेकर आज से 2 दिन की बैठक है। यानी कि 13 और 14 जून को इसको लेकर बैठक है जो काफी अहम मानी जा रही है। तो नृपेंद्र मिश्र पहुंच चुके हैं अयोध्या, एनएलटी व टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स के साथ होगी चर्चा। राम मंदिर नींव की 5 लेयर तैयार हो चुकी है, आगे की काम को बढ़ाने के लिए चर्चा होगी। आज बैठक में तमाम पदाधिकारी के सदस्य भी शामिल होंगे। तो अगली बड़ी खबर, कोरोना की नई दवा को मिली मंजूरी, डीसीजीआई ने दी कोल्चिसीन के क्लिनिकल प्रशिक्षण को मंजूरी, हृदय रोगियों के लिए है कारगर, जल्द ही संक्रमण मुक्त होने में आएगी मदद। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना के लिए एक नई दवाई को मंजूरी मिल गई है, कोल्चिसीन के क्लिनिकल प्रशिक्षण को मंजूरी मिल गई है, कोल्चिसीन दवा को मंजूरी दी गई है। बता दें कि ये हृदय रोग संबंधित, जो हार्ट से संबंधित रोग है, उन पर भी कारगर साबित होगी। और साथ ही साथ इस दवाई के बारे में हम आपको बता दें, जो कोल्चिसीन दवाई जो है वो क्लिनिकल ट्रायल के बाद, और भी ट्रायल होंगे और कई ट्रायल होने के बाद इन्हें इसे मंजूरी दी गई है। हालांकि इसका सबसे कारगर माना जा रहा है कि ये संक्रमण को जल्द से जल्द मिटाने के लिए
यूज में आती है। तो कोल्चिसीन के क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद अब इसे उपयोग में लाया जाएगा संक्रमण को मुक्त करने, यानी कि संक्रमण को खत्म करने में ये बहुत कारगर साबित होगी। और हृदय रोगी यानी कि हार्ट से संबंधित जो पेशेंट है उनके लिए भी ये दवाई उतनी ही अच्छी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोल्चिसीन कोरोना की नई दवा को मंजूरी दे दी गई है। वही कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रेमी और उसके साथियों ने की महिला के पति की हत्या। 6 दिन पहले मृतक युवक हुआ था गायब, प्रेमी सहित उसके एक साथी को किया गिरफ्तार। कानपुर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, अवैध संबंधों के चलते हुई थी ये हत्या। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बलिहारा गांव की घटना। तो कानपुर देहात में बड़ी वारदात की घटना सामने आ रही है जिसमें प्रेमी और उसके साथियों ने एक महिला के पति की हत्या की। 6 दिन पहले मृतक युवक गायब हुआ था, हालांकि अब पुलिस को प्रेमी सहित उसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है और युवक का शव भी बरामद कर लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या करने का मामला कानपुर देहात से उजागर हो रहा है। प्रेमी और उसके साथियों ने महिला के पति की थी हत्या। 6 दिन पहले मृतक युवक हुआ था गायब। वहीं सोनभद्र में महिला पर हुआ एसिड अटैक। रेलवे में कार्यरत है ये महिला। जांच के बाद पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। सोनभद्र चौपन थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी का पूरा मामला है। तो एक बार फिर एसिड अटैक का ये घिनौना खेल फिर खेला गया और एक महिला को इसका शिकार बनाया गया। सोनभद्र में जहां एक महिला के ऊपर एसिड फेंका गया। रेलवे में कार्यरत है ये महिला, हम आपको बता दें रेलवे कर्मचारी के ऊपर एसिड फेंका गया है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वही लखनऊ से बड़ी खबर, प्रमुख सचिव का ओएसजी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। एसटीएफ ने लखनऊ के विभूति खंड से किया गिरफ्तार। एसटीएफ की टीम आरोपी से कर रही पूछताछ। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, एसटीएफ का ओडीएफ बनने का, प्रमुख सचिव का ओएसडी बनकर ठगी करने वाला ये गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने लखनऊ के विभूति खंड से इसे गिरफ्तार किया है। वही लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी यूसुफ बंजारा गिरफ्तार। बदमाश के पैर में लगी गोली, उपचार के लिए जिला अस्पताल किया गया रेफर। यूसुफ के पास से 315 बोर तमंचा भी बरामद हुआ है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है और इस बदमाश को जो जिसे गिरफ्तार किया गया उसके ऊपर कौन सी धाराओं में मुकदमे दर्ज है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, ये यूसुफ नाम का जो बंजारा है ये काफी दिनों से वांछित चल रहा था कई जनपदों में, लखीमपुर खीरी पीलीभीत सहित कई जनपदों में इसके खिलाफ विभिन्न थानाओं में मुकदमे पंजीकृत थे जिसकी पुलिस को तलाश थी। इस पे 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था पुलिस के द्वारा, जिसको आज रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। तो जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा पैर में गोली लगने के कारण इसको सीएससी में पहले एडमिट कराया गया मोहम्मदीन, उसके बाद इसको जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया है और गिरफ्तार होकर वांछित के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 25,000 का इनामी यूसुफ बंजारा गिरफ्तार किया गया है। पैर में हालांकि गोली लगी है जिसके कारण अस्पताल में भर्ती है और
कई धाराओं में मुकदमा दर्ज, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 315 बोर तमंचा भी बरामद हुआ है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बदमाश के पैर में गोली लगी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मजा आएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।